नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बो वेजिटेबल्स के बारे में, उसके गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स के बारे में, कुछ रेड लाइन सिम्टम्स के बारे में, जिनके बिहाफ पर आप होम्योपैथिक मेडिसिन को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएं। साथ ही साथ आप पेशेंट के लक्षणों से मिलान करके मेडिसिन का सिलेक्शन इजीली कर सकें, इसके लिए हम यह वीडियो बनाते हैं, इसके लिए यह वीडियो सीरीज जो है चला रखी है। तो कार्बो वेजिटेबल्स के बारे में बात करेंगे। कार्बोवेज मेडिसिन जो है वेजिटेबल चारकोल से बनती है। इसका जो पेशेंट है वह वाइटलिटी के ब्याप पे बहुत ही वीक होता है, उसकी वाइटलिटी बहुत ही कम होती है। वह कंपैरेटिवली वाइटल फ्लूड के लॉस की वजह से वह थकान ज़्यादा महसूस करता है, उसका एनर्जी लेवल जो है वह बहुत ही लो होता है। कार्बो वेजिटेबल्स का जो पेशेंट है उसकी बॉडी जो है वह ठंडी पड़ जाती है, वह कोल्ड टू टच होती है, विशेषकर घुटनों से लेकर पाँव तक का जो एरिया है उसमें उसको ठंडक ज़्यादा महसूस होती है, वह कोल्ड ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। अगला जो सिम्टम है वो है कार्बो वेजिटेबल्स पेशेंट के डाइजेशन पे। कार्बोवेज का जो पेशेंट है उसका डाइजेशन इतना वीक होता है, इतना धीमा पड़ जाता है उसका पाचन, जिसकी वजह से वह जो कुछ भी खाता है वह उसको गैस में कन्वर्ट कर देता है खाने को। इस वजह से उसको विशेषकर एपिगैस्ट्रिक रीजन में, यानी कि अपर एब्डोमेन में, पेट के ऊपरी हिस्से में उसको जो है गैस की समस्या जो है देखने को मिलती है। अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर सिम्टम है तो कार्बोवेज मेडिसिन आपको हेल्प कर सकती है। अगला जो सिम्टम है वो है ऐसी कोई भी डिजीज जिसमें पेशेंट का जो है वाइटल लेवल जो है वो काफ़ी कम हो चुका है और पेशेंट जो है एंड स्टेज पे है, उसकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है, उसकी वॉइस जो है वो लॉस्ट हो गई है, उसकी जीभ है, उसके दूसरे जो बॉडी पार्ट्स हैं, उसका जो पसीना है वह भी कोल्ड हो रहा है, वह भी ठंडा हो रहा है, और वह किसी बीमारी के अंतिम चरण में है, यानी कि लास्ट स्टेज में है। तो ऐसी कंडीशन में कार्बोवेज मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। कार्बोवेज का जो पेशेंट होता है उसको जो है काफ़ी नज़दीक से फैनिंग करने से रिलीफ मिलता है, नज़दीक से उसको हवा करने से उसके सिम्टम्स में उसको अमेलरेशन मिलता है, यानी कि आराम मिलता है। कार्बोवेज के जो पेशेंट है उसको पेट के आसपास में, वेस्ट के आसपास में टाइट क्लोदिंग जो है बियर नहीं कर पाता है वो, और उसको इस चीज़ से अग्रवेशन होता है, उसकी तकलीफें जो है बढ़ जाती है। कार्बोवेज का पेशेंट जो है वही चीज़ें पसंद करता है जो कि उसको और ज़्यादा बीमार करती है, जैसे कि विस्की और ब्रांडी के लिए वह उसकी क्रेविंग जो है बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन यह चीज़ें जो है उसको और भी बीमार कर देती हैं। कार्बोवेज का जो पेशेंट है उसके गले में जो खराश होती है वह पिक्युलरली इवनिंग टाइम में अग्रवेट हो जाती है, यानी कि खराश इवनिंग टाइम में अगर बढ़ रही है तो कार्बोवेज मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। खून का दौरा कम पड़ने की वजह से कार्बोवेज के पेशेंट में स्किन जो है वह ब्लू पड़ जाती है, साइनोज्ड हो जाती है, और साथ ही साथ उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ है वह ठंडी पड़ने लगती है, कोल्ड होने लगती है। तो यह एक पेक्यूलर सिम्टम है कार्बोवेज मेडिसिन का। ऐसी कंडीशन में आपको यह मेडिसिन हेल्प कर सकती है। कार्बोवेज के पेशेंट को खट्टी डकारें बहुत ही ज़्यादा आती रहती हैं, इरेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा होते रहते हैं, विशेषकर उसको जो है नाक के आसपास में वेरिकोज की भी समस्या रहती है, यानी कि यहाँ की नाक की जो नसें हैं वह फूल जाती है, वह आपको विजिबल ब्लू कलर में दिखाई देती हैं। अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर सिम्टम है तो कार्बोवेज मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। अगर पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक रीजन में, यानी कि ऊपरी हिस्से में, पेट में अगर गैस की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी कि डिस्निया ड्यू टू फ्लैचुलेंस, अगर इस प्रकार की समस्या है तो ऐसी कंडीशन में कार्बोवेज मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। ओवरऑल अगर मेडिसिन की बात करें तो इवनिंग टाइम में, नाइट में, और जो है ओपन एयर में कार्बोवेज पेशेंट्स को कंप्लेंस जो है अग्रवेट हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, और उसको ठंडी चीज़ों से आराम मिलता है, और क्लोजली फैनिंग करने से, यानी कि बहुत ही नज़दीक से हवा करने से उसको सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है, साथ ही साथ इरेक्टेशन से, यानी कि डकार आने से उसको कंप्लेंस में रिलीफ मिलता है। कार्बोवेज मेडिसिन के बारे में यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।